तो आप देख रहे हैं न्यूज मार्केटिंग। न्यूज मार्केटिंग में आपका स्वागत है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने अपने वक्तव्य दिए हैं और इस वक्तव्य में जैसा कि उनसे आशा की जा रही थी, नॉर्थ कोरिया और इस्लामिक आतंकवाद को उन्होंने जोरदार हमला किया है। उन साथ ही उन्होंने रूस और चीन की सराहना भी की है कि उनके अनुरोध पर उन्होंने नॉर्थ कोरिया पे दबाव बनाया है कि वो परमाणु अप्रसार की बात को माने और फिर परमाणु बम न बनाए और न ही बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करे, न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। ये मानवता को नष्ट करने वाले हथियार हैं और ये बन तो गए हैं, लेकिन इन्हें छोड़ करके मानवता का विनाश नहीं किया जा सकता। अगर जो इसे छोड़ा जाए और इससे युद्ध लड़ा जाए तो इससे मानवता के विनाश के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ये तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जो तनाव है, अगर यह युद्ध की शक्ल लेता है तो ये कहा नहीं जा सकता कि यह विश्व युद्ध की शक्ल ना ले, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा नहीं है कि वो अकेला देश है और उसके साथ कोई नहीं है। अगर वह अकेला होता तो वह परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर पाता, हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं कर पाता और इतनी तकनीकी नहीं विकसित कर लेता कि बैलिस्टिक मिसाइलों का बैलिस्टिक मिसाइल बना ले। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं कि उसके साथ भी विश्व के देश हैं जो छुपे रूप से उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे अमेरिका के डर से, चाहे मानवता के डर से या शिष्टाचार के डर से, कि हमें लोग किस नजरों से देखेंगे, लोग यानी कि हमें विश्व में किस नजर से देखा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ छिपे हुए देश हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, उनको भी यह लग रहा है कि जो हम मदद कर रहे हैं ये सही नहीं। अगर सही नहीं है तो मदद क्यों कर रहे हैं? एक ऐसे पागल के हाथ में ऐसा हथियार क्यों थमा दे रहे हैं जिससे कि मानवता ही नष्ट हो जाए? यह सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, हमारे कहने का जहां तक मतलब है कि नॉर्थ कोरिया के पीछे भी कुछ देश मौजूद हैं जो नॉर्थ कोरिया के सहयोग के लिए खड़े होंगे। अगर वो नॉर्थ कोरिया के सहयोग के लिए खड़े हो जाए तो फिर अमेरिका के साथ भी कुछ देश खड़े होंगे, और जब अमेरिका के साथ भी कुछ देश खड़े हो जाते हैं तो कुछ कुछ देशों को मिला करके धीरे धीरे दुनिया दो ग्रुपों में बटेगी और दोनों विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेगा। यानी कि एक तीसरा विश्व युद्ध, यानी कि एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीन और रूस जो ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका का मैटर है, अमेरिका समझे, लेकिन अमेरिका के आग्रह पे इन दोनों ने भी नॉर्थ कोरिया पे दबाव बनाया है। यह दबाव दिखावे वाला कितना है और यह दबाव वास्तव में कितना है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह चीज बहुत ही अच्छी कही है यूएन ने, और इनका आभार व्यक्त करके बहुत ही बढ़िया काम किया है कि अगर ये छुपे रूप से या ऊपर से ही अगर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, फिर भी दबाव बनाने का प्रयास किए। रह गई बात युद्ध की, अब युद्ध में वो किसके साथ जाएंगे ये बाकी बात है। युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो मानवता सर्वसाधारण हो। रह गई बात दूसरी जो उन्होंने बड़ी टिपिकल बात कही है, इस्लामिक आतंकवाद की। इस्लामिक आतंकवाद पे भी उन्होंने हमला किया है और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का जो देश सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि ऐसे देशों को चिन्हित किया जाना चाहिए और ऐसे देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, ये होनी भी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा इस्लामिक आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मंशा इस्लामिक आतंकवाद के
खिलाफ है और यह सिर्फ कहने भर का नहीं है, बशर्ते कि यह आदत है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह से लताड़ा है, इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह नहीं बताया है। बशर्ते डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम सही निशाना बैठाया है और सही निशाने पर उन्होंने अपना तीर चलाया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है, तो इसलिए पाकिस्तान चिन्हित हो गया है कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देता है और यह संरक्षण नहीं देना चाहिए। इससे विश्व के समस्त देशों को मिलकर एकजुट होकर पाकिस्तान पे भी दबाव बनाया जाना चाहिए। लेकिन चीन ऐसा देश है जो अपने निजी स्वार्थों के कारण पाकिस्तान का बराबर साथ देता रहता है और हर मोर्चों पर उसका बचाव करता है। वो बार बार ये कहता है कि चीन जो है आतंकवाद के खात्मे के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल कुर्बानियां दी होंगी, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जहां भी आतंकवाद की बात आती है एकाध पाकिस्तानी निकल गया। आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं, कुर्बानी क्या दिया है? अगर सांप आप पाले हो तो आप सांप पाले हो, आपका बच्चा अगर है, अगर उसे छेड़ता है तो सांप काट लेगा। वही हाल है, वही कुर्बानी है पाकिस्तान की, और सांप तो अपने को भी काट लेगा कभी कभी, तो वही काटता है उसे ही कहते हैं कि कुर्बानियां दी है। क्या कुर्बानियां दी है, क्या कुर्बानियां दी है? बस अरे चीन को बस वही है कि आप जो एक खिलौना राष्ट्र मिल गया है जिससे कि वो पाकिस्तान को बचाव करता रहेगा और पाकिस्तान आतंकवादी पालता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों को सरहद के रास्ते इसमें भारत में भेजता रहेगा, भारत को उन आतंकवादियों से परेशान रहेगा, परेशान रहेगा तो कोई उत्पादक कार्य में उसका दिमाग नहीं लगेगा, और उत्पादक कार्य में दिमाग नहीं लगेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो एशिया में हमारे टक्कर का भारत नहीं बन पाएगा लाख प्रयास के बाद भी। तो इसका चीन का तो ये मोटो है, लेकिन इस मोटो से इस्लामिक आतंकवाद पे पहरा नहीं बिठाया जा सकता, इस्लामिक आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता। इससे अपने निजी स्वार्थ त्यागने होंगे और सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद पे अपनी ध्यान रखने होंगे। अब ये विश्लेषण हमारा पूरा हुआ, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, गाली मत दीजिएगा बस। नमस्कार।